एवरीवन, सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फोर्स की तरफ से आने वाली बहुत ही मतलब मशहूर सी गाड़ी है यार, ये ट्रैवलर गाड़ी का। तो गाइज यार इस गाड़ी को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं है, मतलब आप मैं और सब यार कोई ना कोई यार कभी ना कभी तो इस गाड़ी में सफ़र करके इधर उधर कहीं ना कहीं तो ज़रूर गया होगा। और गाइज ये आप देख रहे हैं गाड़ी का फ्रंट लुक। तो गाइज यार इंडिया में ये ट्रैवलर के नाम से आती है, इंटरनेशनल मार्केट में ये मर्सिडीज़ के टेम्पो के नाम से बिकती है गाड़ी। और गाइज इस गाड़ी की खास बात ये है कि इसमें आपको मर्सिडीज़ ड्राइव्ड इंजन देखने को मिल जाता है। गाड़ी का जो हेडलाइट सेटअप है यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि LED हैं, और ये है गाइज अपने हेडलाइट जो कि नॉर्मल हैलोजन वाले हैं, लेकिन अंदर ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी की लुक में। बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है गाइज ये, अगर ये गाड़ी ख़रीदनी हो तो गाइज इसके लिए आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि ट्रैवलर जो गाड़ी है भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और इसलिए वेटिंग जो है वेटिंग पीरियड कुछ ज़्यादा नहीं है इसका, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको जो ये गाड़ी मिल जाती है। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं फोर्स की बैजिंग है क्रोम फिनिशिंग में, और ये फोर्स का लोगो है, और इस लोगो को भाई लोग हटा करके यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो लगवा देते हैं, तो देखने वाले को यही लगता है कि ये मर्सिडीज़ की गाड़ी है। और वैसे भी गाइज इसका जो बॉडी शेल वगैरह है वो भी मोनो टाइप है, मतलब इसमें आपको यार वो गार्ड टाइप सा जो होता है बॉडी वगैरह मतलब चैसी होती है वो देखने को नहीं मिलेगी, इसकी जो बॉडी के साथ ही चैसी फिक्स है बिल्कुल। इस गाड़ी में आपको जो है बॉडी रोल वगैरह देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल गाड़ी है, मतलब इतनी लंबी और इतनी ऊंची सी गाड़ी होने के बावजूद भी यार बॉडी रोल इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ गाड़ी के कुछ इस तरह का व्यू है, यहाँ पे एक गाइज हुक दिया गया है गाड़ी को टो वगैरह करने के लिए इन केस ऑफ अगर जरूरत पड़ती है, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि फोर्स की गाड़ियाँ जो होती हैं काफ़ी रिलायबल होती हैं। और गाइज इस समय मैं खड़ा हूँ यार फोर्स मोटर्स करनाल में जो कि अपना केशव फोर्स के नाम से, अगर आपको फोर्स की कोई भी गाड़ी चाहिए यार तो आपको इनके नंबर वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइज यार साथ ही गाड़ी का जो प्राइस वगैरह है वो भी आपको केशव फोर्स वालों को फ़ोन करके ही कन्फर्म करना होगा। तो गाइज गाड़ी का साइड प्रोफाइल चेक कर लेते हैं एक बार, फ्रंट से तो काफ़ी बढ़िया है गाड़ी। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर, ये ट्रैवलर की बैजिंग FM 2.6R CR की बैजिंग जो कि मतलब इसके इंजन की है। और गाइज ये गाड़ी का टायर और JK कंपनी का टायर है इसमें, और टायर साइज़ है LT21575R15, मतलब यार LT215R15। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के ORVM, यहाँ पे फोर्स का लोगो है, और काफ़ी बड़े बड़े ORVM है गाड़ी के, मतलब यार मिनी बस है ये एक तरह की, और इसी तरह से बड़े बड़े ORVM दिए गए। और गाइज टोटल मतलब यार 18 सीटर मिनी बस है ये। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ भी टर्न इंडिकेटर एक दिया गया है, AC और नॉन AC दोनों मॉडल में आती है ये गाड़ी। और यहाँ से गाइज भरेंगे डीजल, पीछे वाला टायर है ये अपना कमानिया जिसे पटे भी बोलते हैं कई लोग। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी में आपको वो गार्डर से नहीं दिखेंगे जो चैसी में होते हैं, अदर गाड़ियों में होते हैं जो, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है गाइज फोर्स की वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे ट्रैवलर की बैजिंग है, यहाँ पे भी दिया गया इंडिकेटर। तो चलिए गाइज गाड़ी का बैक प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का गाड़ी का बैक प्रोफाइल है, एमरजेंसी एग्जिट यहाँ से, BS6 की बैजिंग है। और गाइज ये गाड़ी के टेल लाइट्स काफ़ी बड़े बड़े से हैं, ट्रैवलर सुपर की बैजिंग है, और 4 पार्किंग सेंसर दिए गए इस गाड़ी में जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
1, 2, 3 और 4। ये गाड़ी का स्पेयर व्हील और कुछ इस तरह से गाइस गाड़ी दिखती है। ये नीचे से रियर व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी आती है और पहाड़ों पे तो भाई भाग भाग के चढ़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब और पावरफुल गाड़ी है। यहाँ पे दिए गए रिफ्लेक्टर, हॉर्स की बैजिंग, आगे की साइड गाइस आपको इसमें जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, और पीछे की साइड ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। तो चलिए गाइस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं किस तरह का माहौल हमें देखने को मिलता है भाई एक अपनी फोर्स की मिनी बस में। तो यहाँ से जाएंगे गाड़ी के अंदर और ये आ गया अपना पैसेंजर साइड डोर। ये डोर लॉक वाला है, ये ग्रैब हैंडल और मैनुअली इसमें आपको विंडो वगैरह के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। फुट स्टेप यहाँ पे दिया गया और गाइस ये आप देख रहे हैं अंदर से गाड़ी का माहौल और काफी मतलब बड़ा सा ही है, काफी सारे पैसेंजर इसमें आरामदारी से बैठ सकते हैं। और फोर्स ऐसा क्लेम करता है कि यार मतलब अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है, इसमें आपको कंफर्ट को लेकर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और गाइस ये आ गया गाड़ी का ग्लोव बॉक्स जिसमें स्पेस है थोड़ी सी, ग्रैब हैंडल यहाँ भी दिया गया है और ये लाइटें वगैरह यहाँ पे दी गई हैं जो कि अभी बैटरी का सप्लाई जो है कट किया हुआ है इसलिए नहीं चलेगी। और ये गाइस गाड़ी का गियर लीवर, तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। ये हैंड ब्रेक है, ये अपना आ गई सीट बेल्ट वाली यहाँ पे, और ये गाड़ी का स्टीयरिंग और कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है यहाँ पे एक, और ये अपना इमरजेंसी का बटन है और ये हजार्ड वाला बटन, ये लाइट्स के कंट्रोल हैं। और गाड़ी का स्टीयरिंग जो है गाइस वो भी काफ़ी बेसिक सा है, कोई मतलब इसमें ज़्यादा मतलब यार टिटम्बा नहीं दिया गया है। और यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, और एनालॉग है सारा का सारा। और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले भी दी गई है, यहाँ पे ट्रिप के लिए बटन वगैरह दिए गए हैं दो, ये टैकोमीटर है अपना, ये अपने वॉशर्स वाइपर के कंट्रोल हैं और ये हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं गाइस ये ABC मतलब एक्सेलेरेशन ब्रेक और क्लच के कंट्रोल, बटन होल्डर है यहाँ ड्राइवर सीट पे, ग्रैब हैंडल यहाँ भी दिया गया, ये वैनिटी। और गाइस यार मतलब बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड करवा के रखते हैं लोग इस गाड़ी को, मतलब यार यहाँ पे मतलब सारा मतलब फुली AC का कंट्रोल वगैरह लोग अपनी मर्जी से इसमें बाहर से लगवा लेते हैं इसको मॉडिफाइड करवा के। और ये बड़ी सी लाइट दी गई है यहाँ पे, और गाइस ये आ गया अपना मैनुअली IRVM। तो गाइस यार गाड़ी में मतलब अंदर जाने के लिए जो है ये वाली सीट को अपना फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से मतलब जो भी सवारियाँ वगैरह होती हैं ट्रैवलर्स जो भी होते हैं वो यहाँ से अंदर सीट्स की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी है यार अंदर जाना भी। तो चलिए गाइस बोनट खोलते हैं और देख लेते हैं एक बार डीजल इंजन। गाइस यार ये आप देख रहे हैं फोर्स की तरफ से आने वाला 4 सिलेंडर मर्सिडीज ड्राइव्ड डीजल इंजन, और काफ़ी रिफाइंड इंजन है। फोर्स के जो इंजन है काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी टाइम से जो फोर्स कंपनी मार्केट में अपने इसी इंजन के साथ ये गाड़ियां बेच रही है।
तो गाइज यार ये था रिव्यू अपनी फोर्स की तरफ से आने वाली ट्रैवलर का, जिसे कई लोग टेम्पू ट्रैवल भी बोलते हैं। और पंजाब साइड में तो गाइज लोग मतलब इतना मतलब इसको मॉडिफाइड करके रखते हैं भाई, देखने में कोई पहचान नहीं सकता कि उसको भी ये गाड़ी जो है अपना ट्रैवलर है या फिर मर्सिडीज़ का टेम्पू है। बहुत ही बढ़िया लगती है गाड़ी जो है मॉडिफाइड होकर के। तो गाइज यार इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको जो है फोर्स की तरफ से आने वाली ट्रैवलर गाड़ी किस तरह की लगी।